फ्रेंड्स, पेंसिल शेडिंग कैसे स्टार्ट करना है ये मैं आज आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल चाहिए होगी, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B और ये मोनो इरेजर है और कुछ ब्लेंडिंग स्टैम्प्स हैं, इनको टूल्स बोलते हैं। ये ब्लेंडिंग में काम आते हैं हमारे। ईयरबड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एक नॉर्मल इरेजर और एक नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेंसिल शेडिंग के लिए हमारे ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले तो हम पेंसिल का ग्रेड देखेंगे। अभी मैं HB पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल HB पेंसिल को थोड़ा सा ब्लेंड करके रखना है और पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। नॉर्मली लाइटली धीरे धीरे पेंसिल को शेड देंगे, डार्क टोन, उसके बाद धीरे धीरे जैसे नीचे आते जाएंगे उसके बाद मीडियम टोन, मीडियम टोन के बाद धीरे से इसको नीचे लाते हुए लाइट टोन। इसी तरह से जितने भी आपके पास शेड की पेंसिल हैं तो आप उसको सेम यही टेक्निक से करेंगे और ऊपर इसका ग्रेड भी लिखते जाएंगे। जैसे ये मैंने HB पेंसिल से करा तो मैंने इस पर HB पेंसिल लिखा। नाउ आई एम यूजिंग 2B पेंसिल। अभी 2B पेंसिल से देखिए थोड़ा सा डार्क आता है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी, पेंसिल का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। 2B थोड़ा सा डार्क, 4B इससे थोड़ा सा डार्क, ऐसे ही करके जो लास्ट है हमारा वो 10B है। तो ऐसे ही आप सब करेंगे और ऊपर आप ग्रेड लिखते जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कितनी डार्कनेस किस पेंसिल से आती है। अभी ऐसे ही करते जाना है। अभी मैं 6B यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली, आप ऐसे ही 4B यूज़ करेंगे, फिर 6B, 8B और 10B ऐसे यूज़ करना है आपको। डार्क, मीडियम और लाइट टोन। नाउ आई एम यूजिंग 10B पेंसिल। सेम यही टेक्निक से 10B पेंसिल को भी ब्लेंड करना है। 10B पेंसिल आप देखिएगा सबसे ज़्यादा डार्क है। पेंसिल जब हमें डार्क एरिया जहाँ का भी जैसे हमें नीड होती है तो वहाँ पर हम 10B पेंसिल यूज़ करते हैं। चलिए अभी देखिए पेंसिल के ग्रेड कितने होते हैं। पहले तो HB पेंसिल, फिर 2B पेंसिल, 4B, 6B, 8B एंड 10B। ये सारी पेंसिल्स हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम पेंसिल शेडिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो 8 लाइन की पेंसिल बेस्ट है। अदरवाइज़ आप कैमलिन या फेवरकसल कोई सा भी आप ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ये है ब्लेंडिंग टूल, इसको पेपर स्टैम्प भी बोलते हैं। अभी जो हमने ये शेडिंग करा है इसको धीरे धीरे, इसको भी हम प्रेस नहीं करेंगे, बहुत लाइटली आप धीरे धीरे जो आपने शेडिंग करा है इसको ब्लेंड करेंगे। सारी लाइन्स को प्रॉपरली आपको ब्लेंड करना है, धीरे धीरे करते हुए इक्वल एक सा कर देना है बिल्कुल ब्लेंडिंग। ऐसे ही आप सारा 6B, 10B सब आप ब्लेंड करिएगा, इससे आपको इसकी डार्कनेस का और इसको कैसे ब्लेंड करते हैं इसका आइडिया लगेगा। जब भी हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, पेंसिल को कैसे यूज़ करना है। तो आज हमने आपको ये पेंसिल यूज़ करना बताया, आप कैसे यूज़ करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको ट्राई करिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके।